हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम लोग कौन सी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो आज की टॉपिक होने वाली है रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिविटी, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट और सब्सटेंस होते हैं जो कंटिन्यूअसली लगातार खुद से डिसोसिएट्स होते हैं, या बोले कि खुद से डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब खुद से टूटते हैं। किसमें? अल्फा पार्टिकल में, बीटा पार्टिकल में और गामा रेज में। यानी हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खुद से डिसइंटीग्रेट होते हैं और अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन करते हैं। क्या बोले? हमारे नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट होते हैं। हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो लगातार टूटते हैं, लगातार। और वो टूटकर, जब वो टूटते हैं तो फिर क्या होता है? तो वहां से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन होता है। तो जब वो टूटते हैं तो उनको कोई एक्सटर्नल कॉज वहां नहीं चाहिए, एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं चाहिए। जैसे कि उनको टूटने के लिए एक्स्ट्रा कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, ना ही कोई प्रेशर की, ना ही कोई वर्क की। यानी जो डिसइंटीग्रेट होते हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर और विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, यानी बिना किसी कॉज के खुद से टूटते रहते हैं। और टूट कर क्या करते हैं? तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और ये जो फेनोमेना हो रही है इसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो ये घटना हो रहा है इसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग समझ रहे थे कि द सब्सटेंस, यहां पे एलिमेंट भी लिख सकते हैं आप, द सब्सटेंस ब्रैकेट में एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, द सब्सटेंस विच इज कंटिन्यूअसली, विच इज कंटिन्यूअसली, द सब्सटेंस विच इज कंटिन्यूअसली, मतलब वे सब्सटेंस जो लगातार क्या होते हैं? टूटते हैं। कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट्स, कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट्स, लगातार टूटते हैं। इन किसमें भाई? तो इन अल्फा पार्टिकल, इन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, एंड गामा रेज, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। यानी टूटने के लिए कोई एक्सटर्नल कॉज की जरूरत नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नहीं जैसे जनरली एलिमेंट को तोड़ना है, हीट दे दो टूट जाएगा, ठीक है। किसी सब्सटेंस को तोड़ना है, हीट दे दो, एनर्जी दे दो, या उस पर प्रेशर लगा दो, या फोर्स अप्लाई कर दो, तो वो क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं करना, ये खुद से टूटते रहते हैं। द सब्सटेंस या द एलिमेंट विच इज कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट्स इन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, लाइक एज हीट प्रेशर एनर्जी एटीसी। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? तो द सब्सटेंस या द एलिमेंट विच इज कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट्स इन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, लाइक एज हीट
प्रेशर एनर्जी ईटीसी देन दिस सब्सटेंस या एलिमेंट भी लिख सकते हैं, दिस एलिमेंट भी लिख सकते हैं, देन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और इस फेनोमेना को this phenomena is called radioactivity, this phenomena is called radioactivity। ठीक है, तो आपको समझ में आया रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, द सब्सटेंस विच इज कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट्स इन अल्फा पार्टिकल, द सब्सटेंस विच इज कंटिन्यूअसली, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, यहां पे डिसोसिएट्स भी ले सकते हैं और डीके भी ले सकते हैं। किसमें टूटना चाहिए भाई, तो अल्फा पार्टिकल में टूटना चाहिए, बीटा पार्टिकल में टूटना चाहिए और गामा रेज में टूटना चाहिए। क्या कुछ एक्सटर्नल कॉज के बाद, क्या हीट देने के बाद, क्या प्रेशर लगाने के बाद, क्या फोर्स लगाने के बाद, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज लाइक एज हीट प्रेशर एनर्जी, ये सब की जरूरत नहीं होगी, यहां पे विदाउट वर्ड का यूज हुआ है। देन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। हमारे नेचर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो एज फॉर हम लोग ले सकते हैं, यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, प्राक्टियम है, पोलोनियम है, ये सभी है। और जो हमारे नेचर में सबसे अधिक रेडियो एक्टिव है, जो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो है पोलोनियम, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है रेडियम। हमारे नेचर में सबसे अधिक पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो है यूरेनियम। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एज फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल है, एज फॉर पोलोनियम जिसको पीओ लिखते हैं, फ्रांसियम जिसको एफ आर लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद रेडियम है, रेडियम को आर ए बोलते हैं, उसके बाद थोरियम है, थोरियम को टी एच, उसके बाद यूरेनियम है, यूरेनियम को यू लिखे हैं, उसके बाद प्लूटोनियम है, पी यू है, उसके बाद नेपच्यूनियम है, एनपी, ये सभी क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे आप ईटीसी कर लीजिएगा, ईटीसी, ठीक है। और इसमें जो सबसे अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन है, तो द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज पोलोनियम, सबसे अधिक जो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, पोलोनियम। हमारे नेचर में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन होता है, पोलोनियम, और पोलोनियम के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो रेडियम कहता है, और रेडियम के बाद किसी का नंबर आता है तो थोरियम कहता है, और थोरियम के बाद किसी का नंबर आता है तो यूरेनियम कहता है। अब उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे नेचर में जो सबसे अधिक पाया जाता है वह यूरेनियम है। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है, तो नेचुरल ऑकरिंग मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूरेनियम। हमारे नेचर में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है।
और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसोसिएट्स होते हैं, टूटते हैं, जैसे जब वो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा रेस से, तो चेंजिंग नहीं होता है, बस स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी का होगा, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन जब गामा का सॉरी जब अल्फा का इमिशन होता है या बीटा का इमिशन होता है, तो वहां पर रेडियो एक्टिव डीके होता है, यानी पहले वाला एलिमेंट जो है वो अब नहीं रहता, बदल जाता है, क्योंकि उसके मास नंबर में या एटॉमिक नंबर में चेंजिंग आता है। कैसे आता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल है कि आखिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है तो कहीं तो रुकता होगा, या टूटते टूटते खत्म हो जाएगा, नहीं, कहीं रुकेगा, और वो अंतिम जो उसका स्टेबिलिटी फॉर्म है वो लेड है। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटते 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 अंत में जाके किस में बदल जाता है, लेड में। यानी द स्टेबल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेड। तो इसको नोट कर लेते हम लोग, द स्टेबल द स्टेबल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेड। क्या है? लेड नहीं दिख रहा है, इज लेड। यहां पे लिख लेते हैं इज लेड। क्या है? लेड। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लास्ट में किस में बदलता है, तो लेड में बदलता है, ये उसकी स्टेबिलिटी फॉर्म है, सबसे अंत में जाके लेड में बदल के रुक जाता है। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद।